सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसा कि आपके देख सकते हो, ये फ़ोन हमारे पास जो आया हुआ है ये MI का फ़ोन है। MI का 5A है, मॉडल दिखाते हैं तो देख सकते हो MCI 3B मॉडल लिखा हुआ है इस पर। और यहाँ पे हम फ़ोन को जैसे बूट करते हैं तो फ़ोन में एक प्रॉब्लम ये आ गई कि जिसका फ़ोन था ये अपडेट के लिए लगाया है फ़ोन, और रिबूट होने के बाद ये 14% में आके रुक जाता है, उसके आगे नहीं बढ़ता है। ये मैंने देख चुका है, ये कल पूरी रात चालू रहा फ़ोन और वहीं पे अटका रहा। फिर चार्जिंग वार्जिंग में लगा के मैंने इसको चार्ज कर दिया रहा, हालांकि और अभी देख सकते हो इसमें परसेंटेज चल रहे हैं, लेकिन क्या हो चुका है, इसकी जो फर्मवेयर है वो क्रैश हो चुकी है, जिसके कारण ये अपडेट फाइल नहीं ले रहा है, 14% में आके रोक देगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सिंपल सी फ्लैशिंग करनी है हमको, क्योंकि हमारी जो फर्मवेयर हैगी वो वर्क नहीं कर रही है, फ्लैश फाइल, तभी ये प्रोसेस नहीं हो पा रहा है इसका पूरा, इस कारण ये यहीं पर अटका हुआ है। तो आज हम करेंगे इसकी फ्लैशिंग। तो जो हमारे चैनल पर नए यूज़र है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में कीजिए बेल आइकन को भी प्रेस, ताकि जो भी ऐसी वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, और आपके पास भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो देख सको, सीख सको, कर सको ऐसे सॉफ्टवेयर करना, फ्लैशिंग करना। ये 5A मॉडल है, जैसे आपके पास कोई अदर मॉडल आता है और सेम प्रॉब्लम आती तो वो भी उस कंडीशन में आपको फ्लैश करना है सिंपल सा। तो थोड़ा सा वेट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको वीडियो फेक ना लगे। और यहाँ पे वीडियो बड़ी होने वाली तो कुछ कुछ जगहों में हम वीडियो को कट कर देंगे, जो मेन मेन दिखा देंगे बस आपको, क्योंकि ऐसे नहीं तो वीडियो का साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो देख सकते हो 14.49% पे आके रुका रहेगा ये फ़ोन, अब आगे नहीं बढ़ेगी ये फाइल, ऐसी ही रही, जितनी देर रखोगे आपको ऐसे ही मिलेगा फ़ोन। थोड़ा देर वेट करके दिखा देते हैं और उसके बाद करते हैं अपनी प्रोसेस शुरू। और यहाँ पे दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो, और ऐसे सपोर्ट करते रहिए अपने चैनल को ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए और ला सकें, और आपके पास भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती तो दूर कर सको, सीख सको इस वीडियो के ज़रिए। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी भी हमारा फ़ोन अटका हुआ है। तो चलिए अब हमको क्या करना होगा, फ़ोन को स्विच ऑफ करने के लिए इसका बैक खोलना पड़ेगा। तो चलिए पहले तो हम अपनी सिस्टम पे चल के इसकी फ़ाइल वगैरह लोड कर लेते हैं और फिर इसको EDL में कनेक्ट करेंगे। तो चलेंगे अब अपने लैपटॉप में, करेंगे इसकी फ़ाइल को लोड, हम उसके बाद आते हैं अपने फ़ोन पे, ये फ़ोन को भी ऐसे ही चालू रहने देते हैं। तो देख सकते हो ये हमारी फर्मवेयर है, इसको हम एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं, तो हमने फ़ाइल को अपनी पहले ही एक्सट्रैक्ट कर लिया है, इसलिए रिप्लेस करने को कह रहा है, देख सकते हो। तो इसको कट करेंगे, ये हमारी फर्मवेयर है, डबल क्लिक करेंगे और देख सकते हो ग्लोबल इमेज दी हुई है फाइल में। तो चलिए इसको कट करेंगे और चलेंगे अब अपने MI फ्लैश टूल में, ये हमारा फ्लैश टूल है, इस पर डबल, इस पर यस करेंगे, परमिशन देते हैं। तो देख सकते हो हमारा फ्लैश टूल है जो ओपन हो चुका है। यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं यहाँ से फाइल को डेस्कटॉप पर, ये हमारी फाइल इस पर सिलेक्ट कर ली है, ओके करेंगे और यहाँ पे क्लियर ऑल सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने क्लियर ऑल कर दिए, सेव यूज़र डाटा भी कर सकते हो आप चाहो तो, यूज़र का डाटा सेव करना हो तो कर सकते हो, बाकी इस ऑप्शन का हमें पता नहीं है कि यूज़र का डाटा सेव होगा या नहीं। और यहाँ पे क्लीन ऑल एंड लॉक ये करोगे तो आप मोबाइल क्लीन भी हो जाएगा और प्लस लॉक भी हो जाएगा, तो ये नहीं करना है आपको। तो चलेंगे अब अपने मोबाइल की तरफ, तो देख सकते हो ये हमारा फ़ोन है, अभी भी हमारा फ़ोन वैसा की वैसा ही चालू रखा हुआ है।
तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये सिम ट्रे की जगह से आपको ओपन कर लेना है। यहाँ से इजी पड़ता है लॉक, देख सकते हो, तो बता रहा हूँ, बाकी मैंने इसको ओपन कर चुका है ताकि टाइम ना लगे वीडियो में। तो आपको सिम की जगह से इस पे यहाँ पे ऐसे ओपन कर लेना है, तो क्या आपको आसानी होगी फ़ोन को खोलने में। चलिए, तो हमारा जो डिवाइस देख सकते हो हमने ओपन कर लिया है बैक साइड का, इसको भी निकाल देते हैं। हमने स्क्रूज इसके पूरे खोल चुके हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। जो प्रोसेस है मेन मेन आपको वो मैं बता रहा हूँ। और ये इसका बैटरी कनेक्टर देख सकते हो, फ़ोन चालू है, बैटरी को निकालते हैं। ये फ़ोन ऑफ हो गया, अब दोबारा से लगाएंगे। और देख सकते हो ये दोनों जो होते हैं इसके टेस्टिंग पॉइंट होते हैं, जो पावर स्विच के बाजू में देख सकते हो। ये दोनों को आपस में शॉर्ट करना है ट्विज़र की मदद से। तो चलिए हम इस चिमटी से इसको शॉर्ट करते हैं और डाटा केबल को लगा देंगे फिर इस पे। चलिए, हमने अपनी डाटा केबल भी ले लिए हैं और ये दोनों को आपस में शॉर्ट करते हैं। और अब सिंपल सी डाटा केबल लगा देनी है। तो ये हमारा डिवाइस हो चुका है कनेक्ट। तो चलिए, टूल में हम रिफ्रेश करते हैं चल के। तो यहाँ पे नहीं आया है पोर्ट, देख सकते हो। तो चलिए एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो COM5 दिखा दिया हुआ है। तो चलिए सिंपल सी करते हैं फ्लैशिंग स्टार्ट और देखते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं आता है हमारे इस फ़ोन के अंदर फ्लैशिंग के टाइम। तो थोड़ा सा वेट करेंगे और सिस्टम पे चलते हैं। तो अभी तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लैशिंग स्टार्ट ही हो चुकी है समझ लो। थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे कोई एरर वगैरह तो नहीं आता है फ्लैशिंग के टाइम। तो यहाँ पे हमारी जो है फ्लैशिंग होना स्टार्ट हो चुकी है जैसा कि देख सकते हो आप। तो यहाँ पे करेंगे अब हम वेट, क्योंकि फ्लैशिंग में लगने वाला है टाइम, फिर उसके बाद फ़ोन भी बूट होगा तो टाइम ले लेगा काफ़ी। तो आपको फ़ोन को याद रहे फ्लैशिंग के टाइम डिस्कनेक्ट नहीं करना है फ़ोन। कई बार क्या होता है केबल लूज़ होने के कारण फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है या फ़ोन का कनेक्टर लूज़ होने के कारण, और उस पर हमारी फ्लैशिंग रुक जाती है और फ़ोन डेड होने के भी चांसेस हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो है फ्लैशिंग हो चुकी है डन, जैसे कि सिस्टम में दिखा दूँ तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लैशिंग डन हो चुकी है हमारे फ़ोन की, सक्सेस लिख के आ चुका है। और फ़ोन की तरफ चलते हैं अब, तो ये हमारा फ़ोन है, केबल को करते हैं डिस्कनेक्ट और फ़ोन को बूट करके देखते हैं। तो देख सकते हो फ़ोन हमारा जो बूट हो चुका है, तो अब बूटिंग में इस पे लगेगा थोड़ा सा समय लोडिंग लेने में, क्योंकि फ़ोन हमारा फ्लैश हुआ है तो थोड़ा टाइम ले लेगा फ़ोन। तो देख सकते हो फ़ोन हमारा जो बूट हो चुका है, तो अब बूटिंग में इस पे लगेगा थोड़ा सा समय लोडिंग लेने में, क्योंकि फ़ोन हमारा फ्लैश हुआ है तो थोड़ा टाइम ले लेगा फ़ोन। तो यहाँ पे वेट करेंगे अब हम, क्योंकि फ़ोन लोडिंग में टाइम ले लेगा काफ़ी। तो यहाँ पे काफ़ी समय लगने वाला है, तो यहाँ पे हम वीडियो को करेंगे पॉज, और जैसे ही हमारा फ़ोन की थोड़ी सी लाइट डिम होगी डिस्प्ले से, तो उस टाइम पे हमारा फ़ोन क्या लोडिंग पे आ जाएगा। तो मतलब फ़ोन हमारा ये लोडिंग लेना बंद होके फिर सेटअप का ऑप्शन आएगा, तो तभी हम वीडियो को कंटिन्यू कर देंगे। तो चलिए अभी हम कर देते हैं वीडियो को पॉज, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। देख सकते हो लोडिंग ले रहा है, जैसे ही हमारा फ़ोन स्टार्टिंग के ऑप्शन में आएगा उससे थोड़ा पहले हम वीडियो को कंटिन्यू कर देंगे, ताकि वीडियो फेक ना लगे। तो चलिए यहाँ पे वीडियो कंटिन्यू करेंगे हमारी, और वेट करेंगे। यहाँ पे फ़ोन की जो लाइट डिम हो चुकी है, और इस पर 8 से 9 मिनट लग गए हैं। जैसे कि आपके फ़ोन में ज़्यादा समय लेता है, तो आप बंद नहीं करिएगा फ़ोन को, कभी कभी इस पर 10 से 15 मिनट 20 मिनट भी ले लेता है लोडिंग टाइम। तो यहाँ पे वेट करेंगे। तो चलिए हमारा जो ये देख सकते हो आ चुका है, सेटअप करते हैं। MIUI 9 था इसका, और आप चाहो तो लेटेस्ट डाल सकते हो। ये मेरे पास पहले से ही डाउनलोड की हुई फ़ाइल है, तो ये मैंने पहले ही वाली फ़ाइल किया हूँ, तो आप चाहो तो 9 भी चढ़ा सकते हो, जो आपके पास अपडेट फाइल हो वो चढ़ा सकते हो। तो इसका सेटअप करेंगे हम, और देखेंगे कि इसमें FRP या कोई लॉग वगैरह तो नहीं लगा है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो सेटअप कंप्लीट हो चुका है, और जो अपडेट का प्रोसेस पे आके फ़ोन अटका हुआ रहा, वो प्रॉब्लम भी दूर हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो लोडिंग ऐप हो रहे हैं।
तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो फ़ोन हो चुका है ऑन। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या कैसी प्रॉब्लम जो भी आती है आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।